आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का आप ही के अपने शो में जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के, और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। भाई आप तो जानते हैं कि हम इस शो में कुछ नया सीखते और सिखाते हैं, तो भाई अपने सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं और इन फुर्सत के लम्हों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। नाज़रीन, हम ख़वातीन का दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता, हमेशा जिम्मेदारियां रहती हैं, कभी घर की कभी बाहर की। हमारा जहन कभी भी हमें इससे महरूम नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इस बीच अपने आप को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां थीं, जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां रहेंगी। लेकिन हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने से कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें देखकर किसी और को भी फ़ायदा मिल सकता है, वो भी कुछ सीख सकता है, उसके अंदर भी एक नया टैलेंट आ सकता है। भाई टैलेंट की बात हो रही, इसी बीच मेरे दिमाग में रेखा खंडेलवाल जी का नाम आ रहा है। दरअसल ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये एक ओल्ड एज सेंटर भी चलाती हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने मशरूफियत में भी वो कैसे इतना टाइम निकाल लेती हैं, कैसे करती हैं वो। रेखा जी, बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो पर। रेखा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आखिरकार आपके दिमाग में आया कैसे, कैसे आपके जहन में आया कि आपको एक ओल्ड एज सेंटर चलाना है, कब आपने ये सोचा? देखिए, बुज़ुर्गों से मेरा लगाव हमेशा से रहा है, और जब मैंने अपना नर्सिंग होम बनाया तो मेरे कई पेशेंट्स भी मेरे पास आते थे जिनको अपनी पर्सनल समस्याएं भी कभी कभी मेरे साथ डिस्कस कर लिया करते थे। उन्हीं में से एक पेशेंट एक बार मेरे पास आए और कहा कि मैम, 15 दिन के लिए मेरे फादर को अपने पास रख लीजिए, उनको डिमेंशिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, और वो बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं, जिसके कारण मेरी बीबी और मुझ में तनाव काफ़ी बढ़ गया है, और मैं 15 दिन के लिए अपनी बीबी को बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। तो हमने उनको रखा, क्योंकि हमारा नर्सिंग होम तो चल ही रहा था, और यकीन मानिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। उनके फादर डिमेंशिया था, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे, और काफ़ी लैंग्वेज भी ख़राब थी उनकी, पर 15 दिन में वो दोनों बिल्कुल फ्रेश होकर आए और अपने फादर को ले गए एक नई शुरुआत करने के लिए। इसी प्रकार मेरे एक पेशेंट को मिडल ईस्ट में नौकरी मिली, और जाने के 10 दिन पहले उनके फादर को स्ट्रोक आ गया। अब मिडल ईस्ट में बीमार बुज़ुर्गों को नहीं रख पाते हैं वो लोग, उनकी नौकरी का एक वो था इशू। तो 1 साल तक वो मेरे पास रहे, तो इन्हीं चीज़ों से मेरे ख्याल में आया कि हमारे भारत में भी इस तरह के सेंटर्स की बहुत ज़रूरत है, और नॉर्थ इंडिया में मैंने पहला ऐसा सेंटर शुरू किया आज से 15 साल पहले। अच्छा, कितनी मुश्किलें आपको आई इस दौरान, क्योंकि आपने डिमेंशिया का जिक्र किया कि जो आपके पास पेशेंट थे या किसी के जिन्होंने अपने फादर को यहाँ पर रखा हुआ था, काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते थे, तो आपको वो डिफ़िकल्ट नहीं लगा कि भाई आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर और ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोगों को टैकल करना और ज़्यादा मुश्किल होगा? कितनी मुश्किलें आपको आई इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में? देखिए, जब मैंने शुरू किया तो सबसे पहले जो हमारे पास बुज़ुर्ग आए वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे और उनको डिमेंशिया हो गया था। हमारा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिमेंशिया का, और उन्होंने यहाँ आने के बाद में कभी चौकीदार को थप्पड़ मार के, कभी हमारे स्टाफ को गुस्सा करके और भाग जाया करते थे। कभी कभी वो पुलिस वाले के पास चले जाते थे और कहते थे इन लोगों ने मुझे कैद कर रखा है। तो इस तरह की समस्याएँ भी हमारे पास आई, और हर बुज़ुर्ग का नेचर अलग होता है। कभी कोई खाने पे क्रिटिसिज्म मिलता था, कभी किसी को किसी स्टाफ से झगड़ा हो जाता था, पर डिफ़िकल्टीज तो थी, पर अच्छा भी लगता था कि हम इनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं और अच्छी जगह उनको रहने के लिए दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इस बात पर जिक्र किया कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इंडिया में भी ये कल्चर आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को आजकल हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेज देते हैं, तो जाहिर से बात अगर हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं तो हो सकता है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसी मिलें, पेरेंट्स को कितना इसके लिए तैयार होना चाहिए? क्योंकि उस टाइम हम जब इसके कैमरे ऑफ द कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे कि ये था कि पेरेंट्स भेज तो देते हैं, लेकिन जब उनका बुढ़ापे का वक्त आता तो वो सोचते हैं कि साथ में रहें, कि दोनों चीज़ें साथ में कैसे मैनेज हो पाएंगी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, पहले जॉइंट फैमिली कल्चर था, और जैसे
एक पेशा चल रहा है उसी में बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते थे, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर धीरे धीरे जैसे फैमिलीज बढ़ी तो पेरेंट्स ने ही सोचना शुरू किया कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वो सब बेटर मिलेगा। उसी सिलसिले में बच्चे बाहर जाने लगे, फिर हायर स्टडीज़ का मौका लगता था तो पेरेंट्स ही बहुत खुश होकर भेजा करते थे। पर उस समय पेरेंट्स अपना पैसा भी लगा देते थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जब बच्चे बाहर चले जाएंगे तो हम लोग यहाँ अकेले रह जाएंगे। पर जब बुढ़ापा आया और जब वो अकेले रह गए, तब पेरेंट्स के अपने खुद के बच्चे हो चुके थे, बच्चों के बच्चे हो चुके थे, वो अपने बच्चों में मशरूफ थे और उनकी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। तब हम लोगों को लगा कि इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। और आज के ज़माने में जब दोनों हस्बैंड वाइफ काम करने लग गए मोस्टली, तो घर में बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए कोई नहीं रहता, चाहे आप जॉइंट फैमिली में भी रहें, इसलिए अब इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत। आपको लगता है कितना मतलब सही है यहाँ पर इंडिया में, और ऐसे ओल्ड एज होम होने चाहिए, और लोगों को इस चीज़ को जैसे लोग नेगेटिव वे में देखते हैं कि अच्छा अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले गए, पेरेंट्स ने ज़िंदगी भर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया छोड़कर चले गए, आपको लगता है अब इस अप्रोच को कम करना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि अब उनकी भी अपनी गैदरिंग होगी, उनका भी अपना एक सोशल नेटवर्क होगा, जब बच्चे घर पर वक्त नहीं दे पाते हैं तो ओल्ड एज होम सेंटर एक अच्छी जगह है। देखिए, बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं जब भी हमारा इंटरव्यू होता है, जब भी हमसे कोई बात करते हैं यही कहते हैं बुज़ुर्गों को छोड़ दिया बच्चों ने। मेरा ये कहना है अगर बच्चे उनको खूबसूरत मोड़ दे दें, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन वाला, कि खूबसूरत मोड़ दे दें कि आपको हम ओल्ड एज होम में रखेंगे पर आपसे टच में रहेंगे, आपसे मिलने आते रहेंगे, वीडियो कॉल्स करते रहेंगे और आपकी पूरी देखभाल करेंगे, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझती। और हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, बड़ों को भी और बच्चों को भी। बिल्कुल, एक सोशल गैदरिंग भी तो होती है, लोगों से मिलना जुलना हो पाता है। अगर आप घर की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे अगर छोड़कर चले गए तो वो बड़ी तब पेरेंट्स को ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पर उनका भी एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट होगा। देखिए, वही मैं कहती हूँ कि बुज़ुर्गों को भी अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना चाहिए। मेरे फादर मदर 90 साल की उम्र तक अकेले रहे क्योंकि हम चारों बहनें नौकरी पेशा और तीन तो विदेश में ही हैं, पर उन्होंने इवनिंग में अपना एक सर्कल बना रखा था। 40-50 लोग बुज़ुर्ग मिलते थे एक पार्क में, खूब हंसी मजाक गाना बजाना होता था, तो उनका आधा दिन तो इसी में निकल जाता था। इसी तरह से पेरेंट्स को भी अपना सोशल वो बनाना चाहिए और बच्चों को भी बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तो हमेशा हाज़िर होना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अच्छा, आपके अगर फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, आपका फैमिली आपके लिए आपकी जो फैमिली रही कितनी सपोर्टिव रही है, चाहे फिर चाहे बच्चों की बात करें या आपके पेरेंट्स की बात करें, आपके लॉस की बात करें, इस पूरे काम में क्या आपके हस्बैंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी इसकी टेक केयर करते हैं? देखिए, मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम या जॉइंट ना भी हो पर एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम चार बेटियां हैं हमारे पेरेंट्स की। उन दिनों बड़ा स्टिग्मा था कि चार लड़कियां हो गई कैसे करोगे, पर उन्होंने एक ही बात कही कि आप लोगों को पढ़ना है, हम दहेज प्रथा में बिलीव नहीं करते, और तीन बहनों को शादी से पहले विदेश भेजकर पढ़ाई करवाई। आज हम सब वेल सेटल्ड हैं और अपने पेरेंट्स को अपने पास ही रखे हुए हैं। उनको हम अपने पास जब बुज़ुर्ग हो गए तो अपने पास ले आए। इन लॉज की बात करूँ तो मेरे दोनों बच्चों को मेरी सासू जी ने ही पाला क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ और उन्होंने ही देखभाल करी तभी मैं इतना बड़ा पेशा कर पाई। ये जो ओल्ड एज होम और मेरा नर्सिंग होम है, मेरे फादर इन लॉ ने मेरी अपोजिशन के बावजूद भी वसंत विहार जैसी जगह पर मकान बेचकर ये बनाया उन्होंने मेरे लिए और पूरा सपोर्ट दिया। हर चीज़ में मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं, जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आते हैं उसको पूरा करने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो अगर जिन पेरेंट्स के बच्चे अगर उन्हें छोड़कर जाते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, ऐसा भी होता है कि इंडिया में ही आप बच्चे रहते हैं और पेरेंट्स को यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्या फ्रीक्वेंटली आना जाना होता है बच्चों का मिलने के लिए आते हैं? जी, इंडिया में क्या दिल्ली में भी बच्चे रहते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं जैसे 2-4 महीने के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं
तो उन लोगों को फिजियोथेरेपी के लिए इसके लिए छोड़ते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं 100% ही तो नहीं कहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे देखभाल करते हैं। कहते हैं। अच्छा रेखा जी, ओल्ड एज सेंटर को लेकर आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रही हैं, क्योंकि इसके पहले का जो थॉट होता था हमेशा नेगेटिव ही होता था कि पेरेंट्स को बच्चे किस सिचुएशन में छोड़कर जा रहे हैं, छोड़कर जाना चाहते हैं इस वजह से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कभी आपके सामने ऐसी भी सिचुएशन आई, कोई ऐसा किस्सा हो जहाँ पर बच्चे तो अपने जब काम के लिए जा रहे हैं, चलो टेम्प्रेरी फेस के लिए छोड़ दिया, कभी ऐसा भी होता है आपके सामने कि बच्चे आपको आकर बता रहे हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आप हमें यहाँ पर ओल्ड एज सेंटर छोड़ दो, कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ? नहीं, देखिए बच्चे आकर तो नहीं बोले, पर एक बार जब मैंने सेंटर शुरू ही किया था तो एक बुजुर्ग अपना अटैची लेकर आ गए। अच्छा। कोई उनका यंग कोई फ्रेंड के साथ में, और साथ में म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सब था। तो मैंने कहा कि आप बताएं, बोले मैं आज से रहने आया हूँ और मैं बॉम्बे से आया हूँ। मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने कहा सर एकदम से आप आ गए, ना कोई मेरे पास आपने खबर की ना कुछ किया। तो बोले जी बॉम्बे में फ्लैट्स बहुत छोटे हैं और मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, मेरे बेटे बहू के साथ रहता हूँ, उनकी छोटी सी बच्ची है, उनकी बच्ची की देखभाल के लिए नानी आ गई है, मतलब बहू की मम्मी आ गई है। तो मैं उस छोटे से फ्लैट में उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो मेरी बहू जापान गई हुई है 6 महीने के लिए एक असाइनमेंट पे, जब 6 महीने बाद वो आएंगी तब मैं वापस जाऊँगा। तो 6 महीने वो इसलिए मेरे पास रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हमको रेखा जी की तरफ से इस बारे में हमें नॉलेज मिल रही है, कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, जिसको जानना बेहद ज़रूरी हो गया। आज के सामाजिक जो हमारी स्थितियाँ बनती जा रही हैं उसमें जानना बेहद ज़रूरी हो गया है, कि बोलते हैं ना कि एक सिक्का है तो उसके दो पहलू हैं, एक पहलू से तो हम सभी वाकिफ हैं और एक मेंटल थॉट प्रोसेस वही बनाकर ही रखते हैं, लेकिन एक दूसरे थॉट प्रोसेस से आपने हमें रूबरू करवाया। आज आप जो भी लेडीज़ हमें सुन रही हैं, जो भी ख्वातीन हमें सुन रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं कहूँगी कि एक लेडी का, एक महिला का रोल बहुत ही अलग अलग किरदार में होता है। माँ भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, वाइफ भी होती हैं और बहन भी होती हैं, और बड़ी खूबसूरती से सारे किरदार निभाती हैं। पर एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि समाज बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, आप सब भी थोड़ा बदलाव अपने आप में लाएं। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, बहुत अच्छा अपना स्वास्थ्य रखना चाहिए, और जब भी हो, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था, अरे मैं बीमार हूँ कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बीमार ना हो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, वो ख्याल छोड़ दें। क्योंकि आप खुश रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी तो अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाएंगी। दूसरा मैं ये चाहूँगी कि अपना मन भी ज़रूर रखें, अपने लिए भी आप टाइम निकालें और कुछ करिए, हर बार फैमिली में और सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहें, तभी आप मेंटली खुश रह पाएंगी और सबकी देखभाल और खुद की भी देखभाल अच्छे से कर पाएंगी। तीसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए पुराने ज़माने से लेडी को बचाने की आदत होती थी, और वो नानी दादी अपना एक छोटा सा संदूक रखा करती थी जिसमें अपना सामान रखती थी, जेवर रखती थी, और ये कहती थी कि जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दूंगी। वो एक तरह का इमरजेंसी रिजर्व हुआ करता था। आज के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज नहीं रही हैं, संदूक भी नहीं रहे हैं, पर अपनी सेविंग्स ज़रूर रखिए, क्योंकि आप सेव करके रखेंगी तो अपने आप को भी बुढ़ापे में खुश रखेंगी और बच्चे भी खुश रहेंगे कि उनको आपके लिए उतना फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं रखना है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने को खुश रखने के लिए खुद खुश रहिए और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहिए। तीसरा जो समाज की बदलाव आ रहा है कि बच्चे दूर हो गए, उस पर रोना गाना नहीं करना है, खुद खुश रहिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, अपनी कंपनी बनाइए, अपनी हॉबीज़ बनाइए और खूब अच्छे से घूमिए फिरिए, यही मेरा कहना है। जी रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस ओल्ड एज होम सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने लोगों को रख सकते हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कराती हैं, मैं नंबर्स एक समझना चाहूँगी। देखिए मेरा बहुत छोटा सा सेंटर है
और मेरे सेंटर की खासियत ये है कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, एक नर्सिंग होम भी चलाती हूँ, तो उनको मेडिकल फैसिलिटी तुरंत मिल जाती है, डॉक्टर्स की सुविधा तुरंत मिलती है। तो बहुत छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 से 20 लोगों को रख सकती हूँ, इतना सेंटर है, जिनकी मैं देखभाल भी खुद पर्सनली कर सकती हूँ। अब जिस समय मैंने चलाया था, मैं प्रोबेबली फर्स्ट सेंटर नॉर्थ इंडिया में थी। आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है, सीनियर केयर इंडस्ट्री अब बढ़ती जा रही है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि बुज़ुर्गों के लिए हर तरह की सुविधाएँ, यंग बुज़ुर्गों के लिए बढ़िया रिटायरमेंट होम्स हैं, और बीमार बुज़ुर्गों के लिए, डिमेंशिया वाले बुज़ुर्गों के लिए हमारे जैसे सेंटर्स हैं। जो यहाँ पर पेशेंट होते हैं, उनका आप कैसे ख्याल रखती हैं, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम भी अगर घर बैठते हैं अकेले तो हमको भी बड़ी बोरियत हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग होते हैं, पेशेंट तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी एंटरटेनमेंट के लिए क्या आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं जिससे वो बिज़ी रहें, उनका मन हैप्पी रहे, खुश रहे? देखिए, हम हर तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो हर त्यौहार हम मनाते हैं, सब तरह की एक्टिविटी हम करते हैं, पर साथ में क्योंकि डिमेंशिया अल्जाइमर्स है, हर एक का इंडिविजुअल एक्टिविटी करनी पड़ती है। किसी को बुनाई का शौक़ है, तो किसी को बिल्कुल कुछ और करने का शौक़ है, तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना पड़ता है कि इनको क्या चीज़ इंटरेस्ट करेंगी, उस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम उनसे करवाते हैं। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया रेखा जी, आपने बहुत अच्छा इस बात का जिक्र किया। हम शुरू में ही अपने शो की कह रहे थे कि हमें खुद को ढूंढना है, खुद को तलाशना है, खुद में क्या टैलेंट है उसे पहचानना है। और आपने भी जब आज बात की, जब आपने मैसेज दिया, तो आपने इसी बात का जिक्र किया कि खुद को खुश रखो, खुद के बारे में सोचो, बाद में किसी और के बारे में सोचो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, हमारे शो पर आने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने रेखा जी को, कितनी टैलेंटेड हैं। और जब टैलेंट की बात हो ही रही है, तो कुछ अर्सा पहले मैं सुंदर नर्सरी गई हुई थी, और वहाँ पर मेरी मुलाकात कुछ स्टूडेंट्स के साथ में हुई जो कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे। वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेकर आए हुए थे। भाई, उनका प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उनका प्रोजेक्ट था ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिना मोनोमेंट को हिलाए और बिना बिल्डिंग को हिलाए उसके अंदर का डिज़ाइन तैयार करना, उसका इंटीरियर तैयार करना, जिससे वो और ज़्यादा खूबसूरत लग सके और पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें और ज़्यादा आए और विजिटर्स और ज़्यादा बढ़े। भाई, उनका टास्क ही इतना कमाल का था। चलिए, आइए, आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरा नाम दीपिका गुप्ता है, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज के थर्ड ईयर इंटीरियर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हूँ। मेरी साइट लकड़वाला बुर्ज है, जो कि सुंदर नर्सरी के अपर लेफ्ट कॉर्नर में स्थित है। उसकी इस लोकेशन की वजह से वहाँ पर अधिकतर लोग नहीं आते हैं, तो हम एक ऐसा इंस्टॉलेशन प्रस्तुत करना चाहते थे जिससे ना सिर्फ हमारे बुर्ज की एंट्रेंस हाईलाइट हो, बट साथ के साथ ही उसकी आर्किटेक्चर ज्योमेट्री भी उभर के आए। इसके लिए हमने कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स प्रस्तावित किए, जिसमें हमने साउंड और लाइट का यूज़ किया है, ताकि उसकी पूरी की पूरी ब्यूटी और उभर के आए। यहाँ पर हम यूज़र के पर्सपेक्टिव के साथ प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो मॉन्यूमेंट की एक एंट्रेंस बना रहे हैं, और आपको अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली वो आपको एंट्रेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये पर्सपेक्टिव के खेल के साथ में हमने कोशी चाइम्स भी उसमें इंस्टॉल करी हैं, जिससे साउंड का सेंस की वजह से पर्सपेक्टिव के खेल के साथ ही हमने कोशी चाइम्स भी इंस्टॉल करी है, जो कि आपकी हियरिंग एबिलिटी की के साथ कंबाइन होके आपको एक पूरा सेंसरी एक्सपीरियंस देंगे। साथ ही में इसी एक्सपीरियंस को रात में भी कंटिन्यू रखने के लिए हमने कॉलम के नीचे जाली पैटर्न बनाया है, जिसमें हमने लाइटिंग भी इंस्टॉल करी है, ताकि वो एक पाथवे बना दे आपके लिए रात में भी, और ये सेम एक्सपीरियंस रात में भी कंटिन्यू होता रहे। नमस्ते, मेरा नाम नितिका जैन है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में इंटीरियर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हूँ।
हमारे कॉलेज ने एक सुंदर नर्सरी में प्रोजेक्ट करा था जहाँ पर सब बच्चों ने इन मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करी थी और जहाँ जो उधर लोग आते थे उनके बारे में समझा था, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस या फिर एक डिज़ाइन प्रपोज करा था ताकि लोग जो आते हैं वो सिर्फ मॉन्यूमेंट को देखें ही ना बल्कि उसके आर्किटेक्चर को और उस जगह को और करीब से समझ पाए। उनमें से एक डिज़ाइन मेरा था जो था कि तो जो मेरा प्रोजेक्ट था सुंदर नर्सरी पे, मैंने एक एक्सपीरियंस डिज़ाइन करा है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो 6 to 8 क्लास में पढ़ते हैं, कि वो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाए अपनी, ना कि जो ट्रेडिशनल हमारा जो स्कूल में पढ़ाते हैं उस पर बेस्ड नहीं है। जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे जा सकते हैं बिना आपकी आँख खोले, बस आपके सेंसेस को यूज़ करते हुए। अगर मैंने आपकी आँखों पे पट्टी बांध दी है एंड आपको सिर्फ एक ऑडियो डिवाइस दे दिया है, तो आपको जो डायरेक्शंस आपकी ऑडियो डिवाइस से मिल रही है कि आपके कान में कोई बोल रहा है कि आप लेफ़्ट टर्न लीजिए, आप राइट टर्न लीजिए, उसके थ्रू आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपका जो दिमाग होता है लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का साथ में काम करते हैं। और इस चीज़ पे मैंने फोकस करते हुए अपने डिज़ाइन करा है, एक मॉन्यूमेंट के अंदर एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहा है जिससे कि बच्चे अपनी आंखें बंद करके और ऑडियो डिवाइस सुन के और दीवारों को छूते छूते उनका आर्किटेक्चर समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करते हैं आपको बेहद बेहद पसंद आया होगा। अगली मरतबा आप